और आप सारे अनुभवी हो, माइक वाले भाई इसको थोड़ा क्लीन कर दो, माइक को स्टेज के पीछे कोई ना खड़ा रहे, यहाँ डिस्टर्बेंस होगी तो पंचायत डिस्टर्ब होगी, और जो खड़े हैं उनसे प्रार्थना है अभी और भी चारों तरफ से बहुत लोग आ रहे हैं, जहां भी आपको पंडाल में जगह मिले बैठने का काम करें, सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। बहन बेटियों के जो अपमान की शुरुआत ये जो राजनेताओं ने की है ये हरियाणा से ही हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है ये जो बहन बेटियों की जो विरुद्ध जो आपत्तिजनक टिप्पणी करने और हमें इसको खत्म करना है। 1992 में सुशीला की हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे, इसी गांव में एक कृषि से संबंधित कोई केंद्र बना हुआ है, बागवानी केंद्र है, उसमें हरियाणा के कृषि मंत्री और लोहारू से विधायक ने किसानों के बारे में और आंदोलनकारियों के बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का, बहुत ही असंवैधानिक भाषा का और बहुत ही अमानवीय भाषा का प्रयोग किया, जो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। सभी पार्टियां एक अवश्य दोस्तों, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और एक छोटी बात मैं आपको बता दूं, जब ये इंजेक्शन ठोक रहे थे, जो ये इंजेक्शन ठोक रहे थे अभी यहाँ पे जो ठोक रहे थे, किसी ने दो इंजेक्शन ठुकवा लिए, किसी ने तीन ठुकवा लिए, किसी ने एक ठुकवा लिया, किसी भी पार्टी ने ये नहीं बोला कि ये मत लगवा लेना। और ये जो पार्टियाँ हैं इन्होंने किसी ने इंजेक्शन नहीं लगवा रखे दोस्तों। दगडोली मशीन एंड एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र कल्याण। आज ये एक अहम मुद्दा है किसानों का, और यहाँ पे देखो ये बनी गाड़ियों की भरी पड़ी है, और ये किकनाव काम का है भाई ये सीन। तो ये किसान आज इकट्ठे हो रहे हैं दोस्तों, और ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं ये कारण मैं आपको बताऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये गाड़ियाँ हैं, और इधर का सीन दिखाऊँ आपको, ये देखो जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं भाई। तो दोस्तों बात ये है कि किसानों के इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की गई है भाई। तो ये जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है, इसने 25-26 ये 10वें महीने की 25-26 तारीख को 2023 में यहाँ पे प्रथम बागवानी एक्सपो 2023 की जना भगवानी यहाँ पे सम्मेलन था, और ये बैनर भी लगे हुए हैं इसके। यहाँ पे इसने गाली दिए कि जो किसान आंदोलन में जो लोग थे उन किसानों की बहू बेटी और लड़कियां भागी हुई हैं, नहीं उनकी कोई घर में इज्जत होती है, ये लफ्ज इसने बोले हैं भाई। तो कहने का भाव ये है, जो सरकार के प्रति विपक्ष में बोलेगा, मतलब उसकी लड़की भाज रही है, उसकी बहू भाज रही है और उसकी बेटी भाज रही है, और इनका नहीं बोल लगा, जो इनकी तरफ में बोल लगा उसका सब कुछ ठीक है। तो फार्मूला तो भाई इनका अच्छा है ये दोस्तों। एक बात मैं आपको और बता दूं, नहीं मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूं, नहीं मैं किसी पार्टी के साथ में हूं, सभी पार्टियां एक अवश्य है दोस्तों, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और एक छोटी बात मैं आपको बता दूं, जब ये इंजेक्शन ठोक रहे थे, जो ये इंजेक्शन ठोक रहे थे अभी यहाँ पे जो ठोक रहे थे, किसी ने दो इंजेक्शन ठुकवा लिए, किसी ने तीन ठुकवा लिए, किसी ने एक ठुकवा लिया, किसी भी पार्टी ने ये नहीं बोला कि ये मत लगवा लेना। और ये जो पार्टियां हैं इन्होंने किसी ने इंजेक्शन नहीं लगवा रखे दोस्तों, खुद ने, और इनके जो समर्थक थे किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा भी ये इंजेक्शन मत लगवाना।
और भाई कमाल की बात यह है कि किसी भी नेता का चाहे डीएनए टेस्ट करवा लो, चाहे बॉडी टेस्ट करवा लो, उसका उसको इंजेक्शन नहीं लगवाया, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, और सभी ने लोगों को भ्रमित किया। तो इससे जाहिर होता है कि सभी जो पार्टियां वो एक एक थाली की चट्टी बट्टी हैं। लेकिन भाई अब बात मुद्दे की है कि अब ये गाली भी देते हैं भाई, अब बहू बेटी और बहन वैसे भगाने में इन पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। अभी तक तो भागी नहीं है लेकिन इनका भगाने में बहुत बड़ा हाथ है। जैसे अब बताऊं, अभी तक तो किसानों की बहू बेटियां और लड़कियां भागी नहीं है लेकिन अब ये भगाएंगे खुद। ये खुद कैसे भगाएंगे? ये ऐसे भगाएंगे दोस्तों कि इन्होंने रूल बना दिया गया कि 21 साल से नीचे कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, लेकिन 16 साल की वो लड़की होते ही वो रखेल की तरह किसी के भी साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, उसके साथ में सरकार और कोर्ट खड़ी रहेगी, लेकिन उसके शादी 21 साल से पहले हो नहीं सकती। तो आप शायद समझदार काफी हैं, समझ गए होंगे कि इन बातों का क्या मतलब होता है। ये बोल रहे हैं कि जो किसान हैं इनकी बहू बेटी और लड़कियां भाग रही हैं, तो जिन लोगों का जमीर जो जिंदा है वो यहाँ पे भाई इकट्ठा हुए हैं। और भाई अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये भाई मंदिर की प्रांगण में ये रैली की गई है भाई। रैली क्या है, पंचायत है, वहाँ पंचायत है दोस्तों। ये गिगनाऊ का मंदिर है, गिगनाऊ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है भाई। और आप सारे अनुभवी हो, मास्क वाले भाई इसको थोड़ा ठीक कर दो, माइक को स्टेज के पीछे कोई ना खड़ा रहे, यहाँ डिस्टर्बेंस होगी तो पंचायत डिस्टर्ब होगी। और जो खड़े हैं उनसे प्रार्थना है, अभी और भी चारों तरफ से बहुत लोग आ रहे हैं, जहां भी आपको पंडाल में जगह मिले बैठने का काम करें, सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। मैं आप सभी का एक बार यहाँ गंगनाओं के पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और सभी किसान योद्धाओं से निवेदन है कि वो अपने सुझाव और विचार केवल एक ही मुद्दे पर रखें कि हमें पंचायत में किस प्रकार का निर्णय लेना है। एक बार बताऊं कि शुरुआत की जाए सभी किसान योद्धाओं से जोरदार नारे लगाने के लिए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जेपी दलाल, जेपी दलाल, हमारा भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं राजेंद्र सिंह डोंकी, पूर्व प्रवक्ता सांगवान खा, वो आए और अपने विचार हमारे समक्ष, अपने सुझाव हमारे समक्ष रखें। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा सत्यवान नरवाल, सत्यवान नरवाल प्रदेश उपाध्यक्ष धोनी, वो उसके बाद तैयार रहे। मैं निवेदन करता हूं राजेंद्र सिंह डोंकी। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, गणमान्य हाजरीन, बहन बेटियों के जो अपमान की शुरुआत ये जो राजनेताओं ने की है ये हरियाणा से ही हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है ये जो बहन बेटियों की जो विरुद्ध जो आपत्तिजनक टिप्पणी करने की, और हमें इसको खत्म करना है। 1992 में सुशीला की हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे,
उन्हीं के आदमियों ने हत्या की थी। अपने आदमियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने हिसार की अनाज मंडी में आम जनसभा में कहा था, कोई लड़की कहीं चली जाए तो भजनलाल क्या करे, सुशीला जैसे गई है वैसे आ भी जाए, सुशीला जैसे गई है वैसे आ भी जाएगी। सुशीला आज तक नहीं आई, लेकिन आप लोगों ने भजनलाल को सबक सिखाया था। इसी प्रकार वक्त आ गया है इनको सच्चाई तौर पर लगाम लगाने के लिए राजनेताओं को, कि वो ऐसी टिप्पणी ना करें। जेपी दलाल को भी एक अपने एग्जाम्पलरी दंड देना है। और मेरा सुझाव ये है कि सामाजिक बहिष्कार और ढेला जुर्माना। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी का। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं, जो चाय वालों के पास जा रहे हैं कृपा करके वो यहां आकर बैठने का कष्ट करें और करते हैं। और यहां लोहारू के क्षेत्र के लोगों ने एक ऐसा पल्ला पाल दिया जिसको बोलने की भी तमीज नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश का किसान और मजदूर इसकी निंदा करता है। और यहां लोहारू के क्षेत्र के लोग इसके विरुद्ध जो भी निर्णय लेंगे हम उसका साथ देंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, दो एक नारे और लगा दो जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो जप्पी दलाल मुर्दाबाद, जप्पी दलाल मुर्दाबाद। जब तक दुखी किसान मजदूर रहेगा और इतना लड़ाई है हजार जुलम की टक्कर में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। पुनः प्रार्थना है, जो भी खड़े हैं वो बैठेंगे चाय के पास, और जो महाराज जी के पास वहां पर जो बैठे हैं उनसे प्रार्थना है पंचायत में आकर के बैठें। सभी मीडिया के साथियों का भी स्वागत है और राज्यपाल नंबरदार जी का धन्यवाद। अगले मन संचालक जो है आपके बीच में रहेंगे, बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट सुनील खरकड़ी। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर आप रखते जाएं। भाई सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी से निवेदन है कि उस साइड में जो भाई खड़े, कुछ माता बहने जो आई उस साइड आ जाएं, जगह है माताओं के लिए, उधर जगह है, जो माता बहन आई हैं इस साइड में जगह है, आ जाएं। सभी संतनों का, सभी खातों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे निवेदन रहेगा कि वक्ता ज्यादा होने की वजह से खाप और संतनों का एक या दो ही वक्ता का नाम दे ताकि सबको मौका मिले। और सभी एक मैं निवेदन और करना चाहता हूँ, मेरी यहाँ बात हुई अध्यक्ष मंडल से, इसके बाद हमारा एक निर्णायक मंडल बनेगा क्योंकि पूरे हरियाणा से बल्कि राजस्थान से भी कुछ साथी हैं, यूपी के भी आए हैं और सभी सम्मानित और बहुत बड़े बड़ा अपना वो ओहदा। जो खड़ा रहेगा वो अपने आप को पंचायत का भागीदार नहीं माना जाएगा, इसलिए पंचायत में जितने भाई आए हैं वो बैठ जाए। तो मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करते हुए, आज ये पंचायत बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी गांव में एक कृषि से संबंधित कोई केंद्र बना हुआ है, बागवानी केंद्र है, उसमें हरियाणा के कृषि मंत्री और लोहारू से विधायक ने किसानों के बारे में और आंदोलनकारियों के बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का, बहुत ही असंवैधानिक भाषा का और बहुत ही अमानवीय भाषा का प्रयोग किया जो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। उस विषय में एक तारीख को लोहारू में लोहारू क्षेत्र की पंचायत हुई और उस पंचायत में कृषि मंत्री को एक सप्ताह का समय दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अंदर
वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए, अन्यथा पूरे हरियाणा के किसान संगठन और पूरे हरियाणा के खापे 9 तारीख को दिघनाओं पे कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो कृषि मंत्री ने अपने पेज पे बड़े चालाकी भरे शब्दों में, वो शब्द इसके पास तो नहीं हो सकते, कहां से वो शब्द चुराए हैं, कहां से किससे लिखवाए हैं, उसमें एक माफीनामा तो लिखा है। उस माफीनामे पर विचार तभी किया जा सकता है जब वो जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसान और पूरे समाज को गालियां दी थी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस सिलसिले में आज इस पंचायत का आयोजन किया गया है, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कोई ठोस सुझाव दे और ठोस निर्णय ले और उस निर्णय को अंतिम रूप देने में आप सबके सहयोग की जरूरत रहेगी। जिस प्रकार से आज आप लोगों का सहयोग मिला है, ऐसे ही जो आप लोग निर्णय लेंगे उस निर्णय को पूरा करने में लोहारू की जनता के साथ साथ आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए आपका पुनः सबका धन्यवाद करते हैं।